हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जुलाई 2021 में एक सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया था, जिसके तहत न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट पर गाइडलाइंस जारी की थी। उसी पर बेस्ड ये वीडियो, जिसमें सारा डिटेल दिया गया था कि टर्म वन और टर्म टू दो टर्म्स में 50-50% सिलेबस डिवाइड किया जाएगा, 10th और 12th का किस तरह से टर्म वन और टर्म टू में एग्ज़ाम्स होंगे, अगर कोविड सिचुएशन रहती है तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, टर्म वन का क्या वेटेज और टर्म टू का क्या वेटेज, फाइनल रिजल्ट 2021 में कैसे काउंट किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन्ड इन दैट सर्कुलर। बेस्ड ऑन दैट सर्कुलर दिस इज द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज टर्म वन एंड व्हाट इज टर्म टू एंड हाउ द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। मैं आपको सबसे पहले ये सर्कुलर दिखा देता हूँ। सर्कुलर ये सीबीएसई ने जुलाई 5, 2021 में जारी किया था, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th फॉर सेशन 2021-22। ठीक है, तो ये सारा आप एकेडमिक वेबसाइट में जा करके और पिछले जो सर्कुलर्स हैं वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। ये वैसे ज़्यादातर आप लोगों को पता चल चुका है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे समराइज करके आपको देना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड। There are efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid. Detail of curriculum transaction. Class 9-10th internal assessment, class 10th and 12th internal assessment. और ये circular है, term one examination कैसे होगा, सारा detail यहाँ पर, 50% syllabus, 90 मिनट का एमसीक्यू दिया जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हेयर इन दिस सर्कुलर। द सेम कंटेंट हैज बीन समराइज्ड इन माय वीडियो इन एक्सेल फॉर्मेट। लेट अस गो टू द समरी। सबसे पहले आप यहां से देख सकते हैं स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 एज पर न्यू पैटर्न। सिलेबस का पोर्शन क्या होगा, टर्म वन में 50% और टर्म टू में 50%। जो टर्म वन में पूछ लिया जाएगा वो टर्म टू में नहीं पूछा जाएगा, जो टर्म टू के लिए है वो टर्म वन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा टर्म वन। टर्म टू अगर ऑफलाइन होता है तो 2 घंटे का होगा, ऑनलाइन होता है तो वो भी 90 मिनट का, सिमिलर टू टर्म वन। Exams to be held in the month of November-December 2021, Term 1. Term 1 2021, November-December में held किया जाएगा, conduct किया जाएगा, organize किया जाएगा. Term 2 will be conducted in March-April 2022. ठीक है? Term 1 में किस तरह के question पूछे जाएंगे? MCQ type, case study based question, assertion reasoning based question. ये दो पैटर्न मेनली एमसीक्यू टाइप में आने हैं और हो सकता है नॉर्मल एमसीक्यूज भी पूछे जाएं। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मेट्स, टर्म टू में केस बेस्ड, शॉर्ट लॉन्ग आंसर बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, अगर ऑफलाइन होता है तो, ये तीन पैटर्न बताए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। अगर ऑनलाइन होता है तो बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू टाइप, 90 मिनट का, सिमिलर टू टर्म वन। बात आती है कि ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कौन करेगा, क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम कौन भेजेगा। ऑब्वियसली दोनों टर्मिनल्स में सीबीएसई इज गोइंग टू सेंड यू द क्वेश्चन पेपर एज वेल एज मार्किंग स्कीम इन बोथ द टर्म्स, राइट।
देयर आफ्टर यू कैन सी यहाँ से प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन इन द होम स्कूल टर्म वन विल बी कंडक्टेड इन द होम स्कूल ओनली एंड टर्म टू ऑन एग्जामिनेशन सेंटर्स एलोकेटेड बाय सीबीएसई। अगर ये ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन ही होता है, कोविड सिचुएशन रहती है तो दैट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड फ्रॉम होम इटसेल्फ 90 मिनट। ठीक है, इन द होम स्कूल ओनली। ठीक है, और मे बी समटाइम्स फ्रॉम होम ऑल्सो इफ कोविड सिचुएशन इज क्रिटिकल, तो इट विल डिपेंड। उस समय देन एंड देयर ओनली सी बी एस ई विल रिलीज सर्कुलर अबाउट इट। एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ, अभी जो ये स्कूल में हो रहा है टर्म वन, सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर सी बी एस ई की तरफ से डिप्यूट किए जाएंगे और उनके सुपरविजन में ये एग्जाम टर्म वन कंडक्ट किया जाएगा। पेपर सी बी एस ई से आएगा, मार्किंग स्कीम सी बी एस ई से आएगी, ओ एम आर शीट पर आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा जस्ट बाई डार्कनिंग द सर्कल्स, जिस तरह से आप तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ओ एम आर शीट फीड करते हैं, फिल करते हैं, उसी तरह से। टर्म टू के केस में सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई अगेन अंडर देयर सुपरविजन ओनली द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। एग्जाम टू बी रिटन ऑन ओ एम आर शीट, टर्म वन ओ एम आर शीट में आपका एग्जाम होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली एम सी क्यू है। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए सर्कल को डार्क कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सी सर्कल को डार्क कर दीजिए, लाइक दैट ओ एम आर शीट विल बी गिवन, वेयर फेस शीट में आप अपना डिटेल, रोल नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन फिगर, फेस शीट में ये लिखना होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन वन, उसके ए बी सी डी जो भी पार्ट्स दिए होंगे उसमें सर्कल बने होंगे उसे डार्क करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद ये कॉपी जो आपकी ओ एम आर शीट है ये स्कैन करके और अपलोड की जाएगी सी बी एस ई के पोर्टल पर फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ। और ये टर्म टू में एज पर द कोविड सिचुएशन, जैसी कोविड सिचुएशन होगी, मे बी ऑन द आंसर शीट इफ इट इज़ ऑफलाइन देर इज़ नो कोविड सिचुएशन, इफ देर इज़ अ कोविड सिचुएशन देन अगेन द सेम पैटर्न मे बी फॉलोड एज पर टर्म वन। राइट, आइए हम देख लेते हैं, विल इट ऐड टू फाइनल रिजल्ट। यस, टर्म वन के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे, टर्म टू के भी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे और इनका एक स्पेसिफिक वेटेज होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑनलाइन ऑफलाइन। और इसके साथ साथ आपके इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल के भी मार्क्स इसमें जुड़ेंगे, so that is going to prepare the final score, final result of your, I mean, of a particular student. अब internal assessment जो है वो किस आधार पर होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा इसका यहाँ पर ये सारा circular बोल रहा है, जो circular बोल रहा है आपको अभी मैंने जो दिखाया था सिम बिल्कुल उसी pattern पर ये summary मैंने design किया है। 9th और 10th तीन पीरियडिक टेस्ट होने चाहिए, स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो रेडी किया जाएगा स्टूडेंट्स का, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ इंग्लिश वगैरह में, हिंदी में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये होती हैं, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिए जाएंगे, साइंस में, एसएसटी में, वॉट एवर, ये 9th 10th के लिए है। और ये 11th 12th के लिए यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल में एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट है, मॉडल है, एक्टिविटीज़ हैं, ऑल दीज थिंग्स एज द इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल्स इन प्रीवियस ईयर्स, उसी तरह से इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाएगा फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में मार्क्स का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। चार सिचुएशंस रेज हो सकती हैं, देर आर चार यहाँ पर जो है, देर आर फोर सिचुएशंस दैट कैन अराइज इफ नो पैंडमिक,
इफ टर्म वन इज ऑनलाइन एंड टर्म टू इज ऑफलाइन, इफ टर्म वन इज ऑफलाइन एंड टर्म टू इज ऑनलाइन, इफ बोथ द टर्म्स आर ऑनलाइन। तो इस तरह की देर आर फोर सिचुएशंस दैट मे अराइज एज पर द कंडीशंस ऑफ कोविड। तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स का वेटेज फाइनल स्कोर में लगाया जाएगा। सबसे पहले अगर पैंडेमिक नहीं है तो टर्म वन और टर्म टू का इक्वल वेटेज फाइनल स्कोर में लगाया जाएगा। अगर टर्म वन आप ऑनलाइन ले रहे हैं, टर्म टू ऑफलाइन ले रहे हैं, तो ऑफलाइन का वेटेज ज़्यादा होगा और ऑनलाइन का वेटेज कम होगा। दैट मीन्स टर्म वन का वेटेज कम और टर्म टू का वेटेज ज़्यादा होगा। ऑफलाइन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है, अगर टर्म वन ऑफलाइन होता है और टर्म टू ऑनलाइन होता है, तो टर्म वन का वेटेज टर्म टू के अपेक्षा ज़्यादा होगा फाइनल स्कोर में। एंड इट इज डिसाइडेड, इट विल बी डिसाइडेड बाय द CBSE देन एंड देयर ओनली बाय रिलीजिंग द एप्रोप्रिएट गाइडलाइन टू द स्कूल्स। इफ टर्म वन इज ऑनलाइन एंड टर्म टू इज ऑल्सो ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन करने पड़ गए, मान लो कोविड सिचुएशन ऐसी है, तो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क प्लस टर्म वन एंड टर्म टू थ्योरी के मार्क्स प्लस मॉडरेशन एंड अदर मेजर्स एज पर द CBSE डिसीजन फॉर फेयर एंड रिलायबल जजमेंट। तो यहाँ पर ये मॉडरेशन वगैरह लगा करके और कोई परसेंटेज वगैरह कॉमन जो ट्रांसपेरेंट और रिलायबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, और कंडीशंस डाली जा सकती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ CBSE इफ बोथ द टर्म्स आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ कोविड। तो इस तरह से मैंने इन 11 पॉइंट्स में इस किस तरह से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ये समराइज किया हुआ है। यहाँ से आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, और सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपका जो नवंबर दिसंबर में टर्म वन होना है ये नज़दीक आता जा रहा है। तो सबसे पहले आप का सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हर चैप्टर से रिलेटेड MCQs की तैयारियाँ कर लें। मेरी क्विज टाइम सीरीज़ पहले से ही मैंने दे रखा है, अपने IP सब्जेक्ट की बात करूं तो क्विज टाइम सीरीज़ मेरी चल रही है, जिसमें पैंडास के मैंने आपको लगभग 11 सीरीज़ दे चुका हूं, 11 वीडियोस दे चुका हूं, 10 क्वेश्चन ईच, तो 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब डाटा विजुलाइजेशन पर 3 या 4 वीडियोज़ जा चुकी हैं, 3 वीडियोज़ जा चुकी हैं, अबाउट 30 क्वेश्चन। Similarly, I will keep on releasing on other chapters, societal impact also, as well as some more videos will go on data visualization. Thereafter, if time will allow, it will keep on going, as well as I will release some of the sample papers based on these patterns as per the guidelines of CBSE. Case study or assertion reasoning based kuch sample paper aapko main aane wale time mein दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका पेपर होना चाहिए। हालांकि अभी CBSE ने इस पैटर्न पर कोई सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है, फिर भी अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस वी कैन फ्रेम द सैंपल पेपर और आपको हेल्प के लिए रिलीज करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टर्म वन और टर्म टू कैसे, कहाँ, कब और क्यों, किस सिचुएशन में कंडक्ट किया जाएगा, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या कंटेंट होगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट कैसे कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन समराइज्ड एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड टेल यू द थिंग्स हाउ इट विल हैपन। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर इस तरह की जानकारी आपके पास तक मैं पहुंचाता रहूं। और एकेडमिक रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर आपके पास वीडियोस के फॉर्म में जा ही रहा है, उसे आप पढ़ते रहें सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन टर्मिनल वन एंड टर्मिनल टू एंड ओवरऑल इन दिस एकेडमिक सेशन इन द फाइनल एग्ज़ाम। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।